जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे द गंगा का हिंदी वर्जन, जो कि क्लास टेंथ इंग्लिश का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका, आप इंग्लिश में एक बार पढ़िए, एक बार हिंदी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी मदर टंग हिंदी है तो मुझे लग रहा है कि आपको हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले इसको हिंदी में तैयार कीजिए, फिर आपको याद करने में आसानी हो जाती है सेंटेंसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखा है हमारे चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्मदिन हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, पूरा हिंदी वर्जन देखिए क्या है। चाचा नेहरू एज ही वाज लविंगली कॉल्ड बाय द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया, चाचा नेहरू जैसा कि भारत के बच्चों द्वारा प्यार से उन्हें पुकारा जाता था, ठीक है। चाचा नेहरू जैसा कि मतलब भारत के बच्चों द्वारा उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये इंग्लिश है, तो ने सब भारतीयों के हृदय में अपना स्थान बना लिया, ठीक है। यानी चाचा नेहरू ने सब भारतीयों के हृदय में अपना स्थान बना लिया, बदले में वह भी अपने देश और देशवासियों के हृदय से प्यार करते थे और स्वयं को उनके साथ पूर्णतया समरूप कर देना चाहते थे, ठीक है। उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत उनकी इस महान अभिलाषा की साक्षी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा स्नीजिंग हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से अब यहाँ तक हिंदी हम पढ़ेंगे, आई हैव रिसीव्ड से आपका रिटेन्ड ऑफ प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे देखिए, मुझे भारतीयों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं जो कुछ भी करूँ उसका एक अंश, ठीक है, जो भी कुछ करूँ उसका एक अंश भी नहीं चुका सकता, और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो हमें भारतीयों से इतना अधिक प्रेम मिला है वो मतलब कुछ भी इतना अच्छा प्रेम है, जो कि मतलब प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो एकदम अमूल्य वस्तु है, इसका मानना ये है, बस इतना है, ठीक है। आगे देखिए, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ का सत्कार भी किया गया है, परंतु भारत में रहने वाले लोगों की सब जातियों का इतना अधिक प्यार मुझे मिला है कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि भारत में जितने भी लोग रहे हैं वो सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग के द्वारा उनको प्यार मिला है, इतना अधिक प्यार मिला है कि वो अभिभूत हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष क्या है? अपने जीवन के शेष समय में मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं इतना अच्छा काम करूँगा कि अपने देश के लोगों के प्रति और उनके प्यार के प्रति मैं कभी भी गलत साबित नहीं होऊंगा, मतलब अयोग्य नहीं होऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ, हम सभी लोग महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं और इनमें अनिवार्य रूप से आने वाले सुखों और दुखों के भागीदार रहे हैं। उसके बाद हमारा है, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है, यानी वो विश कर रहे थे, विश मतलब इच्छा, ही विश, मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं, ठीक है। तो इलाहाबाद में उनका आप समझ रहे हो वो रहते थे, इन अस्थियों का, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, ठीक है, तो इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और उनका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से क्या है, निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए, इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचाकर न रखा जाए। तो यहाँ पर उनकी ये आशा थी, विश थी, ठीक है। उसके बाद माई डिजायर टू, यानी आपका हो जाता है फ्लोइंग वाटर्स, ठीक है। यहाँ तक आपका देखिए, यहाँ तक मेरा संबंध है मेरी इस इच्छा की, सॉरी, यहाँ तक मेरा संबंध है कि मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए कोई धार्मिक महत्व नहीं है, कोई धार्मिक, उन्होंने ये बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि इलाहाबाद मेरी अस्थियों को कुछ भाग डाल दिया जाए यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो जाए, लेकिन ये कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि मेरा धर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, उनकी कोई धार्मिक मतलब समझ रहे हो, कोई जातिवाद भावना उनके अंदर नहीं है, ठीक है। आगे धर्म का मतलब ये जाति से लेना देना होता है, ठीक है। आगे देखिए, मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, जब वो चिल्थूट मतलब जब वो बच्चे थे तभी से वो इलाहाबाद के गंगा नदियों यमुना में जाया करते थे, तो उनसे जुड़ा हुआ है उनका हृदय, इसीलिए वो बोल रहे थे कि उनकी अस्थियों को गंगा में डाल दिया जाए, ठीक है। आगे, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ यह लगाव भी, ठीक है, क्या है, यह लगाव भी
बढ़ा है। रीतियों के बदलने के साथ साथ मैंने उनके बदलते हुए भावों को देखा है और प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और उसके बहते जल का अंग बन गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 आपका सुकरात वाला है, उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद 5 और 6 आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि 30% सिलेबस की कटौती में उसको काट दिया गया है। तो यहाँ पर जल अंग बन गई हैं, यहाँ तक आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, द गंगा क्या है, स्पेशली, ठीक है, हैव बीन कास्ट। तो यहाँ से आपका अनुवाद क्या है, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, ठीक है, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद भारतीयों की प्रिय है, भारतीयों की क्या है, एकदम प्रिय है, जिससे भारत की जातीय यादें, उनकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय जुड़ी हैं। तो यहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। अभी पूछेगा कि पंडित नेहरू क्या चाहते थे, उसकी विजय यहाँ तक, ठीक है। या भारत की दीर्घकालीन, और उसके बाद क्या, यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृतियों और संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा है। वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ़ से ढकी हुई उन चोटियों की, जिन्हें मैं बहुत प्यार किया है, मैंने मतलब बहुत प्यार किया है, और समृद्ध तथा विशाल निचले मैदान की, जहां मेरा जीवन और कार्य ढले। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो कि गंगा नेहरू की मेन आशा थी कि भाई उनकी अस्थियों को गंगा में डाल दिया जाए, उनसे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो बचपन में उनके पास जाया करते थे, खेला करते थे गंगा जमुना के पास, और वो उनको बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती हैं अपने अपने देश के बारे में, अपने जो हमारा पूरा बर्फ़ से ढली हुई जो हमारी चोटियाँ हैं, वहाँ से हमारी गंगा में पानी आता है, तो उसमें से भी उनको याद जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये वो बोल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको हो जाता है, यहाँ तक याद रखना थोड़ा, मतलब सब हिंदी से अच्छे से ही पढ़ना, ठीक है, तो आपको क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। उसके बाद स्माइलिंग एंड डांसिंग से आपका क्या है अनुवाद, देखिए, सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और संध्याकाल के आने पर अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई, शीतकाल में संकुचित मंद्र और शोभा युक्त जलधारा और मानसून के दौरान एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली और सागर की विनाशक शक्ति रखने वाली मेरे लिए गंगा भारत के अतीत की प्रतीक है। क्या है गंगा, क्या है भारत के लिए अतीत की प्रतीक है, ये याद रखना, अतीत की प्रतीक है और स्मृति रही है जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश करती है। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड 2 से आपका एंड 54 तक, ठीक है, उसके बाद ये है। तो आगे अनुवाद यहीं तक है आपका, देखिए आगे क्या है, और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया है, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती हैं और बाध्य करती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें असंख्य का दमन करती हैं और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं, ठीक है। उसके बाद यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है और हमारी है गर्व है, और मुझे बोध है कि मैं भी सब की तरह उस अटूट कड़ी का एक अंग हूँ जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी है। मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो जाता है। उसके बाद, और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए जो उस विशाल सागर में चली जाए जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को अन्य प्रकाश से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इन्हें वायुयान में रखकर आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस अस्थियों से उन्हें हमारे खेत में बिखेर दिए जाएं जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाएं और भारत का एक
अभिन्न अंग बन जाएं। ठीक है, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है, तो पंडित नेहरू ने इसको लिखा। तो इसको आप बार बार पढ़िए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी भी पढ़िए, बुक पढ़िए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बुक से क्लियर हो जाती हैं। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, आपकी मीनिंग स्ट्रांग होंगी। ठीक है, जो आप याद किए उनका उपयोग आप करेंगे तो ये आपको ध्यान में आएगा कि हाँ इसके मीन्स ये होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी मीनिंग है, तो आप मीनिंग लिख कर इनको याद कर सकते हैं, ये है मीनिंग। मैं जल्दी इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा मीनिंग वाली, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक। तो आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गाइड नहीं होती, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, मैं कह रहा हूँ, लाइक करें, और 100 लाइक गेम हम रखते हैं हमेशा, आप जानते हो। आप 200 लाइक गेम करवा देते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं 100 ही रख रहा हूँ, जितना मैं रखता हूँ। तो बस इतना करवा देना यार, 100 लाइक, ठीक है, और बस, और 50,000 सब्सक्राइबर होने पर मैं अपना सेटअप टूर जल्द दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।